चौथे दिन कृष्ण का जन्मोत्सव होता है और भगवान का जो प्राकट्य है, प्राकट्य महोत्सव का ये भाव है सदा सर्वदा जो असद वृत्तियां हैं उनका नाश करना और सदवृत्तियों का उत्थान करना, सदवृत्तियों को जागृत करना। तो भागवत के इस जन्मोत्सव में सम्मिलित होने वाले भक्तों की जो असद वृत्तियां हैं, असद धारणाएं, वो सद धारणाओं में परिणित होती हैं, उनको सदवृत्ति उनमें जागृत होती है, यही जन्मोत्सव का विशेष महत्व है। विशेष वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा पूरे देश में तमाम विद्वजनों द्वारा कही जाती है, लेकिन जहाँ प्रयाग के आप जैसे धर्मालुओं द्वारा जहाँ यह कथा होती है उसका प्रयाग की पूर्ण भी उस स्थान पे समाहित होता है, तो इसका क्या अभिप्राय है? निश्चित रूप से वो, चूंकि देखिए जो तीर्थ स्थानों की जहाँ तक बात है, तो तीर्थ स्थानों में संतों का जो तप का प्रभाव है, वो ऊर्जा, वो परमाणु उस वाचक के साथ, उस समूह के साथ, उस तीर्थ के सब उसके दर्शन करने मात्र से, क्योंकि तीर्थ का जो मुख्य अर्थ है वो संतों से, और संत तीर्थों में रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और जगत में विचरण करके जगह जगह इतस्ततः जा करके और अपने भक्तों को, लोगों को लाभान्वित करते हैं। लोग धन्यवाद और सबका आभार व्यक्त करते हुए देखिए, जो आपने पहले कहा कि प्रयागराज, हमारे यहाँ कहावत है सब तीर्थों के राजा प्रयागराज, अगर प्रयागराज के धरती से हमारे आचार्य श्रीमद् भागवत कथा वाचक आए हुए हैं, ये तो हम लोगों के हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है और हमारे परम आदरणीय सम्मानित प्रधान जी प्रिंसिपल साहब और आपके परिवार के लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे लोगों के पिताजी इस उम्र में 90 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का यह आयोजन किया गया है। हमारे जो आचार्य जी आए हुए हैं और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का तो बहुत बड़ा महत्व है, जो भी हमारे राजा महाराजा जो भी हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का सभी ने ज्ञान लिया और सप्ताह श्रीमद् भागवत के जीवन को धन्य बनाने वाला है और हमें आपको मोक्ष देता है और प्रयाग धरती से जो हमारे आचार्य जी आए हुए हैं इनका बहुत बड़ा महत्व है और ये काशी विहार का जो मध्यांतर है, विंध्याचल क्षेत्र है, इसे हम लोग कथा सुन करके अपना सौभाग्य मान रहे हैं।